नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं किसान तक। बारिश, बिहार में बेमौसम बारिश ने जहां गेहूं सरसों की फसल पर सीधा असर डाला, वहीं सब्जियों के फसल पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद सब्जियों के कौन कौन से फसल पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, इसको जानने के लिए आज हम कैमूर में हैं और कैमूर के खरहरिया गाँव है जो कि कुदरा प्रखंड भभुआ प्रखंड में आता है और हमारे साथ कुछ किसान हैं। तो पहले हम किसानों से समझते हैं कि जो अभी बेमौसम बारिश होने के बाद कौन कौन सी सब्जियों और पे क्या असर पड़ा है, फिर उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि इसी तुरंत ग्राउंड पे ही हम कृषि वैज्ञानिक से भी संपर्क करें और उनके माध्यम से इनका जो समस्या है उसका निवारण या दवाइयों का बताने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं किसान सलाहकार समिति का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ जी। देखिए, बेमौसम बारिश होने से सबसे बड़ी समस्या यही है कि पत्ती का सिकुड़ना, और ये नहीं कि वाटर मिलर में नहीं है, क्या है खीरा में भी है, तरबूज खीरा और क्या है कि आपको कोहड़ा में भी है, ये सब का पत्ती में सिकुड़न किस तरह का? पत्ती का सिकुड़न इस तरह का है, क्योंकि थोड़ा नजदीक देखिए दोस्त, मैंने दिखा रहा हूँ, देखिए इसका लाइफ देख लीजिए। हाँ जी बताइए। ये पत्ती, हाँ, पत्ती का सिकुड़न हो रहा है, इसका सिकुड़न हो रहा है, तरबूज का है। जो फल जो है, फल का सड़न भी आ गया है उसी का वजह से, बारिश के बाद का ही। हाँ, बारिश का बाद का। बारिश से पहले क्या था? बारिश के पहले तो बहुत बढ़िया था, लेकिन बारिश जैसे ही हुआ तो पूरे सब्जी, जितना यहाँ का फसल है सब्जी वाला, करीब मान कर चलिए कि 150 एकड़ के लमसम में है, और सबका यही स्थिति बना हुआ है। सबकी यही स्थिति, सबका यही स्थिति बना हुआ है। सब्जी का मतलब इसी तरह से पड़ रहा है। हाँ, हाँ, पत्ते सिकुड़ जा रहे हैं, और नेनुआ का भी वही स्थिति है हमारे बगल में। अगर ये सिकुड़ता है तो क्या स्थितियां पड़ रही है इसके? इसका हम लोग, हमने अपने हिसाब से दिमाग में लगा कि फंगस काफी बढ़ गया है, ये बेमौसम बारिश होने से फंगस काफी बढ़ गई है। अच्छा, ये इस तरह का रहेगा तो उत्पादन पे क्या असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा उत्पादन पर असर पड़ेगा। पहले तो फल नहीं लगेगा, फल लगेगा तो फल का स्थिति यही होगा, काला होकर गिर जाएगा। काला होकर गिर जाए। आप किस चीज की खेती करते हैं? पात गोभी का। अच्छा अच्छा, हमारा पात गोभी में क्या पड़ा बारिश के बाद? बारिश के बाद में पात गोभी में उसका फूल जो है सो फट रहा है और कुछ उजला हो रहा है उसका फल। अच्छा, मार्केट भी नहीं है। मार्केट भी नहीं है, फल उजला हो रहा है। हाँ, बारिश के बाद ही ये सब, बारिश के बाद में फट रहा है बहुत ज्यादा, फट रहा है बहुत ज्यादा। आपका सर नाम क्या पड़ेगा? अनिल सा। अनिल सा, कितने बीघा में खेती किया अनिल जी? 3 बीघा सब्जी का जी। कौन कौन सी सब्जी का खेती की? कनुआ है और खीरा, नेनुआ। नेनुआ पे क्या असर आपकी सब्जी पे? क्या बारिश के, वही सब है, वही सब पत्ते सिकुड़ रहे हैं। तो पिछले साल कितना बेच दिए थे? पिछले साल तो ठीक तो भाव था। कितना था तभी, कितना गया था, कितना चला गया? पिछले कम से कम 40-50 का लमसम, 50,000 का बेच दिए थे। इस बार वो चीज़ें नहीं जी, नहीं है एकदम सिकुड़े। हाँ जी, और दूसरी बात, पीला होकर पत्ती सब खराब हो रहा है। किसका पीला पत्ती हो रहा है? पनुआ का, तरबूज का, तरबूजा का पनुआ पीला हो रहा है जी। अच्छा, ये आपका सर क्या दिक्कत है? ऐसे ही हो रहा, सिकुड़ने हो गई बात है। अच्छा, इधर आइए आप। इसी तरह से हो, हाँ, पीला हो रहा है। काय आगे है था सर, है काय आगे है? आइए सर, थोड़ा सा आइए दोस्त, दिखाइए, दिखाते हैं उसके बाद हम। आइए नजदीक आइए, नजदीक आइए कि दिखाइए पत्ते को, दिखाइए। अच्छा, पीला होकर के खत्म हो रहा है सब। अच्छा, पीला होके खत्म हो रहा है ना। अच्छा, तो किसी से वैज्ञानिक क्या, किसी से भी सलाह कुछ पता चल पाया है कि कुछ राय लिए किसी से, क्या क्या हो रहा है? हाँ, किसान विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से हमने अपना यहाँ का प्रश्न लिख करके भेजे हैं व्हाट्सएप पर। अच्छा, तो और उन लोगों से हर वक्त हमको संपर्क होती रहती है। अच्छा, लेकिन स्थानीय थोड़ा देख लें तो बेहतर होता। हाँ, बेहतर होता। देखिए, आइए, बताने से और स्थानीय जाँच देखने में तो अंतर होगा ही। अच्छा, तो चलिए एक बार हम भी ट्राई करते हैं वैज्ञानिक से और जानते हैं आपकी जो समस्या है आप लोगों की, वो क्या दवाई बताते हैं और क्या चीजें करते हैं। अभी हमारे भाई साहब दवा छिड़क करके आ रहे हैं इसी चीज का। आइए आइए सर, आइए। तो आप नजदीक में आइए, हम कृषि वैज्ञानिक जो है कैमूर के, केवीके के, हम उनसे बात कर रहे हैं और जानेंगे जो किसानों की समस्याएं हैं, डायरेक्ट फोन के माध्यम से ही समझेंगे कि वो क्या चीजें कर रहे हैं। देखिए फोन जा रहा है और हम उनसे डायरेक्ट इस फोन के माध्यम से ही बताने का प्रयास करवाएंगे कि क्या समस्याएं। जी सर, नमस्कार, अंकित सिंह बोल रहा हूँ किसान तक से।
बारिश के बाद सर सब्जी के फसल पे असर पड़ रहा है, पत्ते सूख रहे हैं और कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। और हमारे साथ कुछ किसान हैं जो आपसे राय चाहते हैं, सलाह कि क्या चीज किया जाए, तो हम बात करवाएं हम उनसे। हाँ हाँ बात कराया जाए। सबसे पहले आप बताइए सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? राम सिंहासन सिंह जी। सर हमारा गोभी जो है सब फट रहा है, बारिश से इधर फट रहा है और उजला हो रहा है, हम लोग दवा डाल रहे हैं लेकिन सुधरता नहीं है। अच्छा, इस तरबूजा जो है फट रहा है तो उसमें आपके जमीन में बोरान की कमी के वजह से गोभी का फटना होता है, ठीक है ना? सर वर्षा से इधर हो रहा है, उधर तो पहले सही था। हाँ अभी वर्षा हुआ है ना, पहले सही था लेकिन उसमें थोड़ा सा बरसात में कुछ न्यूट्रिएंट जो है लीच करता है जी, तो उसमें थोड़ा सा बोरान का 2% बोरान का घोल बना करके छिड़काव करने से फटने की समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और कोई कीड़ा उड़ा लग रहा होगा तो बता दीजिए। हाँ उसमें कीड़ा उसमें मोटा मोटा कीड़ा छेद करके अंदर जा रहा है सर, हरा वाला, हरा वाला कीटाणु, हरा वाला कीटाणु लग रहा है जी। उसमें एक दवा आती है फिप्रोनील या क्लोरोथायोनील जी। हाँ इसको जो है 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कीजिए, सभी तरह के कीड़े खत्म हो जाएंगे। ठीक है सर जी। और सर हाँ हाँ, और एक दो किसान हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश नाम पड़ेगा इनका, आप बताइए सर क्या दिक्कत है? हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। अरे सर जब से बारिश हुआ है ना तब से सभी जितने हम लोग सब्जी किए हैं सबका पत्ती में सिकुड़न आ गया है। जैसे नाम बताइए कुछ। मेरा नाम ओम प्रकाश है, किसान सलाहकार समिति। सब्जी का नाम बताइए। सब्जी का नाम जैसे तरबूज है, खीरा है, लौकी है, आपका नेनुआ में भी वही स्थिति है। कुछ खेती हमने किया है आपको, ये आपको कोहरा का भी स्थिति वही है। क्या है ना, बरसात होने से थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ है और इसमें बीमारी का प्रकोप बढ़ा है। कीड़ा अगर उसमें ध्यान से देखेंगे, कीड़ा दिखाई दे रही होगी तो बताइएगा, नहीं तो बीमारी है। बीमारी में आप जो है कि एक दवा का छिड़काव करेंगे, एजोक्सास्ट्रोबिन, नाम लिख लीजिए, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना करके छिड़काव कराइए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हमने छिड़काव कर के देख चुके हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एजोक्सास्ट्रोबिन मिलाएंगे। अच्छा आएगा, ठीक है। अच्छा, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एजोक्सास्ट्रोबिन और 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालेंगे। अच्छा, उसका स्प्रे कराइए और 12 दिन के अंतराल पर एक बार रिपीट कराइए। 2 बार स्प्रे कराने से उसमें बीमारी रुक जाएगी। अगर उसमें कीड़ा दिख रहा होगा तो उसमें क्लोरेंट्रा नीलीफ्रोल एक दवा आती है। कीड़ा अगर होगा, कीड़ा का शक करता है तो सिकुड़न होती है, तो बहुत बारीक से ध्यान से देखेंगे पत्ती पे चूसने वाला कीड़ा, छोटा बहुत छोटा। वो देख रहे हैं बहुत नंगी आंख से तो दिखाई ही नहीं देता है, पीछे भी रहता है। वायरल है लेकिन उसका ट्रांसमिशन बैक्टीरिया से, क्लोरेंट्रा नीलीफ्रोल। तो क्लोरेंट्रा लीफ कोल जो है उतना बढ़िया कारगर नहीं काम किया। दवा मारे हैं उसने? हम तो बनारस से मंगाए हुए थे, यहाँ नहीं मिला। अच्छा, तो काम नहीं किया है? नहीं किया, हम बता रहे हैं क्या चीज काम किया है। सेलिक्रान काम किया है। क्या चीज? सेलिक्रान प्रेफोना जो फास जो है। और क्या चीज है वो, ऐसा नहीं पता चलेगा, उसका केमिकल कंपोजिशन बताएंगे। हाँ तो सेलिक्रान क्या है, टेक्निकल नाम है उसका है प्रोफेना जोन है, प्रोफेना फास है। प्रोफेनो फास है, तो इंसेक्टिसाइड ही है। लेकिन ऐसा कैसा है कि हम जो ये बता रहे हैं ना क्लोरेंट्रा नीलीफ्लोर, बहुत ही हाई पावर का, बहुत ज्यादा बढ़िया हाई पावर का। उसको देखिए, पहले जब 30 ml कर पर टंकी दिया गया तो पत्ती का जलन होने लगा। हाँ, तो उसका डोज जो है ना 1 ml प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से, जब ज्यादा डोज देंगे तो जलेगा वो, निश्चित जलेगा। 20 ml करके 15 लीटर में डाला गया था। 20 लीटर में क्लोरेंट्रा नीलीफ्लोर का डोज कम से कम 6 से 7 ml जाएगा, कौन बता दे, तो जलेगा ही वो। तो 15 लीटर पानी, हाँ तो 15 या 16 पड़ा था, उसमें 20 पड़ा था। ये क्या बोल जी, तो इसी से वो उसका जलन हो गया है। हाँ तो जलेगा,
ओवरडोज था, उसमें 6 से 7 ml प्रति टन की पानी मिला करके स्प्रे करना होता है। अच्छा, प्रोफेनोफास बोल रहे हैं वो दवा ठीक है, लेकिन ये ज्यादा पावर का था। प्रोफेनोफास का डोज है 1 ml और इसका 1 ml 3 लीटर पानी में। तो सर आपका जो वैज्ञानिक नीरज बाबू है वो बताए हुए थे, कौन बताए थे? नीरज बाबू जो बताए हुए थे इमीडा का, तो इमीडा से तो हम लोग बहुत परिचित हैं, लेकिन ये जो बताए उसका जी ये बताए कि वो दवा रेसिस्ट कर गई है जी। और कौन सा दवा आप जिसे मैंने बोला क्लोरेंटाइलिप्रोल, किस कंपनी का आप दवा ले रहे हैं? वो कंपनी अच्छा जो है 1 ml प्रति 3 लीटर अच्छा 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 सर, कम है। अब जो ज्यादा दिए हैं तो जले गए। अच्छा, आगे रखिएगा कि 1 ml मतलब कि कम से कम 1 टन की पानी में 6 से 7 ml दवा। अच्छा अच्छा ठीक, चलिए ठीक है सर। अच्छा देखिए फलवा सही, वीडियो वीडियो कॉलिंग है, कॉलिंग है उन्हें। तो धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम है? नहीं अभी कोई नहीं है, जो समस्याएं थी आपने फोन के माध्यम से बताया, और उसके बाद हम फिर प्रयास करेंगे किसानों से कि क्या स्थिति रहेगी और क्या है, उसके लिए सर थैंक यू आपका। तो ये थे कृषि वैज्ञानिक अमित कुमार सिंह कैमूर केवीके के, और इन्होंने जो किसानों की समस्याएं थी उसको बताया, उन्होंने जो डोज का बताया। आपने संतुष्ट हैं कि नहीं? संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, उसका उपयोग करेंगे। हाँ। तो ये है प्रयोग, और हमने डायरेक्ट ग्राउंड से बताने का प्रयास किया कि किस जो समस्याएं हो रही थी सब्जी बेमौसम से, उसमें कितना कौन कौन से दवा का छिड़काव करें, और वैज्ञानिकों से डायरेक्ट बात करने का प्रयास किया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।